तो फ्रेंड बहुत ही दुखद घटना आज हमारे गांव में घट गई है। यहीं हमारे घर के बगल ही एक लड़का गया था नदी में नहाने और बेचारा उसी में डूब गया। देखिए सारे गांव के लोग यहां पर इकट्ठे हुए और सभी लोग बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, क्या ही बताएं। बहुत ही दुखद घटना है। बेचारा अभी कल आके हमारे घर पे खेल रहा था, यहीं गेम वेम खेल रहा था, आज ऐसा हो गया, यकीन नहीं हो रहा है। देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, देखिए सभी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, नाते रिश्तेदार सब हैं। पता है लड़का गया था नहाने के लिए, उसके साथ 3-4 लोग थे, लेकिन जो लोग उसके साथ नहा रहे थे वो बेचारा डूब गया और किसी ने उसे बचाया नहीं और ना ही कोई बताया। देखिए बारिश भी आ गई इतना तेज, अब सब लोग वहाँ से हटेंगे, देख सकते हैं सब लोग आ रहे हैं। तो फ्रेंड हमारे यहाँ बहुत तेजी से 2-3 दिन से हो रही है बारिश और इतना सारा कपड़ा हो गया था धोती फिर गया। तो आज हम और बिट्टू मिलके खींच रहे हैं क्योंकि 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है ना, कपड़ा सूखेगा ही नहीं, इसीलिए खींचे नहीं थे। तो आज हम लोग धो रहे हैं मिलके ना बिट्टू। चलो खींचो जल्दी जल्दी बिट्टू, मजा आ रहा है। ऐसा करो चुक चुक। अरे बढ़िया दिखा दे रहा है नीचे का पानी। बाढ़ आ गई है, बाढ़ इतना पानी बरस रहा है, देखा था पूरा पानी पानी हो गया, गोल गोल घुमा रहा पूरा पानी। नीचे भी दिखा मैं नहीं करा बताई दे दरियन दरियन दिखाई कोई दिखा। जैसा कि फ्रेंड आप सब देख रहे हो हमारे यहाँ पर 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, घर के किनारे पूरा पानी लग गया है देख सकते हैं। और हम जाने वाले थे आज अपने मायके धान बैठाने के लिए लेकिन नहीं जा पाए। देखे कपड़ा अभी यहाँ पर धुले हैं सुबह और अभी दोपहर हो रहा है, देखिए फिर से बादल घेर लिया है, अभी फिर से बारिश होगी। कपड़ा सूखा भी नहीं है, सब उतार के अंदर रख दिए हैं, देखिए फिर से बादल लग गए हैं देख सकते हो, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है क्या ही बताएं। इसी वजह से इस साल हम धान बैठाने नहीं जा पाए अपने मायके, क्या ही कर सकते हैं। तो फ्रेंड बहुत ही दुखद घटना आज हमारे गांव में घट गई है।
यही हमारे घर के बगल ही एक लड़का गया था नदी में नहाने और बेचारा उसी में डूब गया। देखिए सारे गांव के लोग यहां पर इकट्ठे हुए और सभी लोग बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, क्या ही बताएं, बहुत ही दुखद घटना है। बेचारा अभी कल आके हमारे घर पे खेल रहा था, यहीं गेम वेम खेल रहा था, आज ऐसा हो गया यकीन नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड आज हमारे गांव में बहुत ही दर्दनाक घटना हो गई, क्या ही बताएं, कैसे बताएं आप सबको। और हमारे घर के बगल का ही एक लड़का है और वो तीन चार लोग मिल के गए थे आज नहाने के लिए, गए थे जो लोग उसके साथ में, सब लोग नहा रहे थे और वो बेचारा डूब गया पानी में। उसके साथ जो नहा रहे थे उसको किसी ने बचाया नहीं, बेचारा पानी में डूब गया और जो उसके साथ नहा रहे थे सब उसको छोड़ छोड़ के भाग लिए और कोई आके बताया भी नहीं कि हाँ वो डूब गया कि कहाँ गया। और वहाँ के कुछ लोग मछली उछली मार रहे थे, उन लोगों ने पूछा कि तुम लोग को अपना अपना कपड़ा सब लोग पहन के भाग लिए, वहाँ से नहा रहे थे तो निकाले थे बाहर, सब अपना अपना कपड़ा पहन के सब लोग भाग लिए। और जब वहाँ के एक आदमी वहीं पर था उसने पूछा कि ये किसका कपड़ा है, वो कहाँ है, ये किसका कपड़ा है, वो कहाँ है, तो कोई कुछ बोला नहीं, सब लोग वहाँ से गायब हो गए। और उसको लगा कि शायद इस पानी में कोई डूब गया है, तब उसने और दो चार लोगों को बुलाया और सब लोग मिल के उसको ढूंढे, बहुत गहरा था और उसी में वो डूबा हुआ था नीचे, उसको किसी तरह से निकाले बहुत ढूंढने के बाद। और कह रहे हैं आधा घंटा तक लगभग उसी पानी में डूबा था। उसको जब निकाले बाहर तो उसकी सांसें रुक गई थी, लेकिन फिर भी सब लोग उसको अभी सदर अस्पताल लेके भागे हैं। और बाकी जितने लोग भी सुन रहे हैं पूरे गाँव के सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और बहुत ज़्यादा रो रहे हैं सब पूरी फैमिली। अभी उनकी मम्मी को बताए नहीं है कि मतलब ऐसा कुछ हो। तो फ्रेंड ये सब बातें जिसने उस लड़के को निकाला ढूंढ के और सभी लोग को वहीं पर बता रहे थे जहां सब लोग इकट्ठा हुए थे, वहीं हम भी गए थे, तो जो हम सुने हैं उन लोगों से वही आप सबको बता रहे हैं। हालाँकि अगली मतलब आखिरी सच्चाई है क्या वो आप सबको दिखाएंगे। अगर अभी सदर हॉस्पिटल लेके गए हैं, सदर भर्ती किए हैं, लेकिन जो मतलब बचाए थे उस लड़के को पानी से बाहर निकाले थे वो बता रहे थे कि सांसें रुक गई थी, चल नहीं रही थी, लेकिन फिर भी सब लोग उसको सदर अस्पताल अभी लेके गए हैं और वहां से देखते हैं कब आते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम में चला गया है, कुछ लोग कुछ और बता रहे हैं, तो चलो अभी देखते हैं कब लेके आते हैं। लेकिन बहुत कसम से बता रहे हैं ऐसा सिचुएशन है अभी ना, हम अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकते, यकीन नहीं हो रहा है। वही लड़का कल हमारे यहाँ छत पे आया था, सब बच्चों के साथ में बैठ के गेम वेम खेल रहा था और बात भी हमसे किया था, बतिया भी रहे थे सब लोग, यहीं गेम वेम खेल रहे थे। यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता है उसके साथ, कसम से ऐसा कैसे हो गया, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कब किसको क्या हो जाए। सभी लोग इतना ज़्यादा रो रहे हैं, भगवान से यही मना रहे हैं कि भगवान अच्छा हो जाए, जैसे भी वो ठीक हो जाए, बेचारे को कुछ हो ना। लेकिन वहाँ पर लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं अभी कि मतलब सांसें रुक गई थी पानी से जब बाहर निकाले तभी से, पता नहीं कब से डूबा था, कोई कुछ बताया ही नहीं, अब पता नहीं। लेकिन भगवान से मन ही मन दुआ कर रहे हैं कि जैसा भी वो ठीक हो जाए बेचारा, कैसे भी करके। उसकी मम्मी और जो लोग भी आ रहे हैं इतना ज़्यादा सब लोग रो रहे हैं, भगवान से मना रहे कि भगवान प्लीज उसको ठीक कर देना, कुछ रो ना। देखते हम सब लोग वहीं माता जी के मंदिर के पास, हमारे मतलब द्वार के जस्ट आगे हैं, वहीं पर उस लड़के का घर भी है जो डूब गया। सभी लोग वहीं इकट्ठा हुए थे, सब लोग वहीं पर थे, लेकिन देखिए अभी बारिश होने लगी ना तो सब लोग वहाँ से हट गए। देखिए इतना तेज बारिश भी हो रही है और अभी अस्पताल से लेके आए नहीं हैं, देखते हैं कब लेके आते हैं। पर यकीन नहीं हो रहा कि मतलब ऐसा कुछ हो गया है इसके साथ में, सच बता रहे हैं, यकीन नहीं हो रहा कि अभी कल ही तो आया था घर पे, खेल कूद रहा था सबके साथ में, आज ऐसा हो गया कैसे समझ नहीं आ रहा।
पता नहीं कब लेके आएंगे अस्पताल।